हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आए हैं हम लोग लाइटनिंग रूपी लोन ऐप पे वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था कि लाइटनिंग रूपी पे एक पूरा वीडियो लेकर आने के लिए कि उस पर आखिर एप्लीकेशन पे साइन अप करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लोन आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है और रिपेमेंट करने के लिए जो आपको हरेसमेंट होता है, तो उन सबसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लाइटनिंग रूपी से पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो साइनअप पे आपको 50 रुपीज़ बोनस दिया जाएगा। अभी ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप कर देते हैं तो फिर वहां से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यह होती है कि बिना आपके परमिशंस के आपके अकाउंट में जो है 2 से 5 हज़ार रुपये का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है और ठीक 5 दिन बाद वहाँ से आपको कॉल्स आना भी शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे मेरे भी मैसेज आए थे कि देखिए बताने के लिए सर इसका सॉल्यूशन क्या है। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उसी पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, सबसे पहले तो अगर आप लोग लोन ले चुके हैं तो आप एकदम ही निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो मिलेगा। और जो लोग अभी लोन लेने वाले तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन एकदम ही फ्रॉड एप्लीकेशन है और ब्लैकमेलिंग पे काम करती है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो इस तरह की एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल नहीं करते अपने फ़ोन में तो बहुत ही ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे, और अगर इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप लोग भी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो आपको करना क्या होगा कि अगर आपको लोन मिल चुका है और उसके रिपेमेंट के लिए वो लोग आपको कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट को हायर भी कर रहे हैं, तो आप सिंपली अपना कॉन्टैक्ट नंबर 7 डेज़ के लिए पूरी तरह से दोस्तों बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 7 डेज़ आपको एक्टिव नहीं रहना है, 7 डेज़ इनएक्टिव पॉलिसी बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना है, व्हाट्सअप भी आपको एक्टिव नहीं करना होगा। और साथ ही साथ में इस प्ले स्टोर पर भी रिपोर्ट कर दीजिए एप्लीकेशन को, और साथ में साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर दीजिए और अपने पुलिस स्टेशन में भी इसके खिलाफ FIR दायर कर दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर में ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर से हट जाएगी, इसकी 110% गारंटी है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये प्ले स्टोर से हट जाएगी। और बहुत लोग पूछे कि क्या रिपेमेंट करना चाहिए, तो आप लोग सोचिए खुद कि अगर आप लोग रिपेमेंट कर देते हैं तो फिर से आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। तो आप लोग कितनी बार रिपेमेंट कीजिएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी बार ये लोग आपसे रिपेमेंट मांगेंगे। तो आप लोग को पेमेंट तो 1 भी रुपया नहीं करना है, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगर आपको पैसा मिल चुका है तो आप लोग खुश हो जाइए कि अब आपको 1 रुपये पेमेंट नहीं करा पाएगा। लॉस होगा तो चाइना वाली कंपनी को लॉस होगा, ना कि आपको लॉस होगा। और डरने वाली कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत